तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहते हैं। तो अगर इसमें देखोगे, बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब एक बॉडी यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, तुम देखोगे तो ये 13.6 और प्लस माइनस 0.2 है, तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस इतना मीटर चलती है, और वो टाइम लग जाता है कितना, 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड लग जाता है ये। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद एरर लिमिट, देखो हमें वेलोसिटी लिखना है। कैसे लिखना है वेलोसिटी? अब इस वेलोसिटी को मैं लिखूंगा एक्चुअल वेलोसिटी प्लस माइनस डेल्टा बी अब्सोल्यूट एरर इन वेलोसिटी, तो ऐसे लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपन टाइम टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टी। एक्चुअली यहाँ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टी। तो यह जाएगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 6 है और एक्चुअल टाइम में 4 सेकेंड है। तो जब 13.6 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 3.45। तो अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ तो 3.45 एक्चुअल वेलोसिटी है प्लस माइनस डेल्टा बी अब्सोल्यूट एरर इन वेलोसिटी। तो 3.4 तो सब में है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो मुझे अब ये चाहिए कि भाई एक्चुअल में कितना आ रहा है अब्सोल्यूट एरर। तो अब्सोल्यूट एरर अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा बड़े आराम से, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से ही निकाल लूँगा। इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ अब्सोल्यूट एरर, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपन डी प्लस डेल्टा टी अपन टी। तो अब डेल्टा वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो डेल्टा डी अपन डी प्लस डेल्टा टी अपन टी, और मल्टीप्लाई कर दूं भी। अब सबकी वैल्यू रखूंगा तो डेल्टा भी यहाँ से दिखने लगेगा। तो डेल्टा डी, डेल्टा डी क्या है? अब्सोल्यूट एरर इन डिस्टेंस कितना है, 0.2, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 13.6 प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी 0.3, और ये है एक्चुअल टाइम 4 है, और मल्टीप्लाई कर दूँ एक्चुअल वेलोसिटी भी इसे, जो कि 3.45 था, मैं पहले ही कैलकुलेट किया था। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.014 आता है, और ये आता है 0.075, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3.45, ठीक है ना। तो अब ये है 0.089 आ जाता है, इसको जोड़ोगे और मल्टीप्लाई करोगे 3.45 से, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ जाता है डेल्टा भी। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो मैं लिखूँ तो यह जाएगा 3.45 प्लस माइनस 0.3। इस हिसाब से अपना बी ऑप्शन सही बन जाता है और बाकी सारे गलत हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।